नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कॉर्न के बारे में बताऊंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉर्न जो है वो कॉर्न मतलब भुट्टे से लिया गया शब्द है, जो कि हम एक डिसीज के लिए, एक बीमारी के लिए वो शब्द का यूज करते हैं। अब चलते हैं वो शब्द का हम यूज क्यों करते हैं कॉर्न के केस में। तो जो कॉर्न बीमारी है वो एक तरह का कैलस है, और कैलस क्या होता है, कैलस एक स्किन में मतलब अब हमारी चमड़ी में अगर एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड और डेड स्किन मतलब जो चमड़ी मर जाती है वो इकट्ठा हो जाए एक जगह हमारी स्किन में। फॉर एग्जांपल मेरे ये हाथ में अगर यहाँ पर स्किन में एक जगह खूब सारी चमड़ी इकट्ठा हो जाए वो, और वो उभर जाए और उभर के हल्की सी खुरदुरी सी दिखने लगे, तो उसको हम कैलस बोलते हैं दोस्तों। तो ये कैलस अगर कॉर्न शेप का हो मतलब भुट्टे के आकार का अगर हमारी चमड़ी में हो तो उसे हम कॉर्न बोलते हैं। तो कॉर्न जो शब्द है वो कॉर्न से ही लिया गया है, मतलब भुट्टे से ही लिया गया है। और भुट्टा अगर आप भुट्टे का दाना अगर आप खींचेंगे तो ऊपरी तौर पर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ऊपर बहुत ज़्यादा वो हार्ड महसूस होगा, अंदर बहुत ज़्यादा वो मुलायम महसूस होगा। और आप जब आप उस भुट्टे की आकार को जब आप उंगली से ऐसे दबाएंगे अंदर पीछे की तरफ से, तो पूरा, या फिर आप एक पेन को लेके अगर उससे में अंदर दबाने की कोशिश करेंगे तो पूरा वो पेन अंदर चला जाएगा, क्योंकि भुट्टा जो है अंदर से सॉफ्ट होता है, कॉर्न जो है अंदर से सॉफ्ट होता है। वैसे ही जो कॉर्न है हमारे शरीर में होता है, कहाँ होता है वो मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन जो होता है कॉर्न वो ऊपरी तौर पे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन बीच में जैसे भुट्टा बीच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है पीछे की तरफ से, वैसे ही कॉर्न जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है बीच के तरफ से, और सीधे वो नीचे टिश्यू में जाके आप उसको दबाएंगे सीधे टिश्यू में जाके वो दबेगा, मतलब नीचे सीधा टिश्यू छुएगा उससे लास्ट में, और इसी कारण उसमें दर्द होता है। देखिए कॉर्न जो है हमारे शरीर में ज़्यादातर पैरों के तलवों में होता है और हाथ के हथेलियों में भी होता है, और किसी किसी कंडीशन में हमें यहाँ पर भी कॉर्न कभी कभी होता है, कभी यहाँ भी कॉर्न हो जाता है, कभी कभी यहाँ भी कॉर्न हो जाता है, यहाँ भी कॉर्न हो जाता है, यहाँ भी कॉर्न हो जाता है, और सबसे ज़्यादा अगर पैरों में तलवों में देखा जाए तो तलवों में यहाँ पर ज़्यादातर उंगलियों के नीचे आपको पैरों में उंगलियों के जस्ट नीचे पीछे साइड में तलवों में जस्ट नीचे बहुत ज़्यादा कॉर्न होने के चांसेस है। जो उभरा हुआ अंगूठा और जो उंगली का ये जो उभरा हुआ पोर्शन पैरों में होता है, ये तो हाथ का उभरा हुआ पोर्शन है, यहाँ तो कॉर्न होता ही है, यहाँ ज़्यादातर हाथों में कॉर्न होता है इस उंगलियों में, लेकिन पैरों में ज़्यादातर इस एरिया में, अगर ये पैर मान लीजिए ये पैर है और ये मेरी पैरों की उंगलियाँ हैं, तो ज़्यादातर इस एरिया में कॉर्न होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब तीसरी उंगली और चौथी उंगली के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा ये कॉर्न आपको दिखेंगे। और फिर जब ये कॉर्न हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा चलने में तकलीफ़ होने लगती है, क्योंकि क्या होता है कॉर्न ऊपरी तौर पे तो वो हार्ड है लेकिन वो कॉर्न है, मतलब वो एक भुट्टे का शेप है, अंदर वो मुलायम है, और जैसे ही वो हार्ड सरफेस आपकी दबती है तो मुलायम सरफेस जाके टिश्यूज को दबाना चालू करती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेन होता है और आप चलने में आपको तकलीफ़ होने लगती है। तो आपके पंजों में ये प्रॉब्लम होती है और हथेलियों में भी प्रॉब्लम होती है, उंगलियों में भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है कॉर्न की। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉर्न क्या होता है। अब चलते हैं दोस्तों कि इसके कॉजेज़ क्या है, कारण क्या है, फिर साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण के बारे में बात करूँगा। तो कॉजेज इसके अननोन है, लेकिन अगर ऐसा देखा गया है कि अगर कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक पुलिस जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, टीचर्स जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, सर्जन्स जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, ऐसी कोई ड्यूटी करते हैं जिससे आप हमेशा लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उनको ये कॉर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाउसवाइफ जो लंबे समय तक खड़े होकर खाना बनाती हैं या बर्तन धोती हैं, उनको ये कॉर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो जूता ज़्यादा पहनते हैं तो उनको ये कॉर्न होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी इसके कोई कॉज अननोन है, बहुत ज़्यादा कॉजेज इसके कॉर्न के नहीं है, कुछ वायरल थ्योरीज हैं तो, लेकिन उतना कुछ रिलायबल थ्योरीज नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं। तो कॉजेज इसके अननोन है। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण की तरफ कि क्या क्या लक्षण होगा। तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये कैलस है, और कैलस का लक्षण होता है कि उभरा हुआ
जो मेरी स्किन ये नॉर्मल दिख रही है, लेकिन अगर यहाँ पर जो मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ उभरा हुआ अगर आपको महसूस हो और काफ़ी उभरा हुआ, और उसके बाद आप वहाँ पर छुएं तो बिल्कुल दरदरा महसूस हो और ज़्यादा दर्द ना हो, लेकिन अगर दबाएं तो बहुत ज़्यादा दर्द हो। ऊपरी तौर पे अगर छुएंगे तो वहाँ पर कोई ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अगर ऊपर से आप काट भी देंगे अपने ही से, अगर उससे काटिएगा नहीं, लेकिन अगर आप ऊपर से आप हल्का सा काट भी देंगे तो डेड स्किन रहेगी, उसमें किसी भी तरह का पेन रिसेप्टर नहीं रहता, तो आपको दर्द किसी तरह का नहीं होगा। तो डेड स्किन उभरी हुई आपको हो ज़्यादातर जो मैंने बताया है वहाँ पर पंजों में या हथेलियों में ये ज़्यादातर होते हैं, मोस्टली कॉर्न यहाँ पर, मोस्टली यहाँ पर भी होते हैं, तो कॉर्न ज़्यादातर पंजों में पाए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलने में हमें तकलीफ़ होगी, दर्द ज़्यादा होगा, अगर दबेगा कॉर्न तो बहुत तेज़ पेन होगा। कॉर्न को अगर आपको देखना है कि कॉर्न है कि नहीं, तो बस सिर्फ सिंपल सा आपको पैन लेना है, जहाँ पर उभरा हुआ हो वहाँ के बीच में सेंटर में आपको जाके दबा देना है। अगर दबाने के बाद एक असहनीय सा पीड़ा बिल्कुल एकदम करंट जैसा लगे तो मान लीजिए कि वो कॉर्न है, 100% वो कॉर्न ही है। देखिए अब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स के बाद में बता दूं कि कॉर्न जब आप ऑपरेशन कराते हैं या कॉर्न पट्टी लगाते हैं तो कॉर्न की जो स्किन है वो तो निकल जाती है ऑपरेशन कराने के बाद, जहाँ जहाँ है वो डॉक्टर साफ करके कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर उसकी ओवरग्रोथ चालू हो जाती है, मतलब फिर से वो हो जाता है। 95% केसेस में कॉर्न फिर से हो जाता है, तो 95% केसेस में अगर आप कॉर्न सर्जरी करा के, छोटी सर्जरी होती है उसकी, छोटा सा निकाल देते हैं, नॉर्मल डॉक्टर भी उसको निकाल देता है, तो 95% केसेस में कॉर्न जो है वो दोबारा आ जाता है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ करें जिससे कॉर्न जो है आपको कभी भी दोबारा ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको कॉर्न की मेडिसिन बताने वाला हूं वो लगभग 90% बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है, मतलब मैंने कभी ज़्यादातर नहीं देखा है कि कॉर्न के पेशेंट मेरे यहाँ ठीक हो के ना जाए। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसमें से सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों थूजा 200, और थूजा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। कहीं भी अगर ओवर ग्रोथ हो जाए, मतलब हमारे शरीर में जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, जो नॉर्मल स्किन रहती है, अगर उससे उभरा हुआ या ओवर कुछ ग्रोथ हो जाए तो उसको हम, उसमें थूजा बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कॉर्न के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, वॉर्ट्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, मतलब कॉर्न हो जाए या मस्से हो जाए, मस्से के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। मस्से भी एक तरह का ओवर ग्रोथ है, कॉर्न भी एक तरह का ओवर ग्रोथ है। कहीं भी आपको ट्यूमर हो जाए तो थूजा बहुत ही इफेक्टिव है, वो भी एक तरह का ओवर ग्रोथ है। तो थूजा बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है कॉर्न में, किसी भी तरह के ओवर ग्रोथ में बहुत ही बढ़िया आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं थूजा के। तो दोस्तों थूजा 200 आपको यूज़ करना है, और थूजा 200 मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, पास से जाऊँगा तो आपको लाइटिंग दिखेगी, थूजा लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो थूजा मेरे पास ये WSI की पड़ी हुई है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है थूजा, और ये WSI की थूजा मेरे पास पड़ी हुई है। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ आपको सुबह सुबह एक बार थूजा 200 के 2 बूंद लेने हैं। तो सिर्फ एक बार आपको ऐसे ही इसको खोलना है, आप इतनी बड़ी फाइल मत लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगा 30ml फाइल की, उसको आप यूज़ करिएगा, 30ml फाइल की लीजिएगा आपको, मैं ये ऐसे लेना है। और 2 बूंद अभी मुझे नहीं है इसलिए मैं नहीं लूँगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ 2 बूंद आपको जीभ में डायरेक्ट इसको टपकाना है एक बार थूजा 200, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं थूजा 200 के। तो दोस्तों दूसरी मेडिसिन है एंटियम क्रूड, और एंटियम क्रूड में हमारी स्किन में अगर बहुत ज़्यादा डर्टीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा गंदापन और बहुत ज़्यादा वो थिकनेस, मतलब मोटापन आ जाए, तो एंटियम क्रूड तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसीलिए एंटियम क्रूड कॉर्न्स के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि कॉर्न्स में बहुत ज़्यादा मोटापन आता है, और एंटियम क्रूड आपको 200 पोटेंसी में लेना है। ये मेरे पास SBL कंपनी की एंटियम क्रूड पड़ी हुई थी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एंटियम क्रूड ये SBL कंपनी की है, पास से अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो आपको दूर से दिखा रहा हूँ। एंटियम क्रूड 200 SBL कंपनी की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और इसको आपको देना है 2 बूंद दोपहर में एक बार। तो इसको आपको डायरेक्टली ही ऐसे करके टंग में 2 बूंद दोपहर में एक बार डालना है। तो दोस्तों तीसरी मेडिसिन है पेट्रोलियम 200, और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पेट्रोलियम 200। कहीं पर भी स्किन अगर दर्दरी पड़ जाए और ज़्यादा मोटी हो जाए तो पेट्रोलियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्किन के लिए। कभी कभी कॉर्न्स में खुजली भी होती है तो उसके लिए भी पेट्रोलियम 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जो कॉर्न्स में दरदरापन, जो फ्रैक्शन आता है, जो आप छुएंगे तो बिल्कुल दरदराहट जो महसूस होती है, उसके लिए कॉर्न में ये पेट्रोलियम 200 बहुत ही ज़्यादा
इफेक्टिव मेडिसिन है। पेट्रोलियम 200 को भी आपको कॉर्न में देना है अगर आपको कॉर्न ठीक करना है। तो पेट्रोलियम 200 दो बूंद आपको रात में देना है। मैं आपको पेट्रोलियम 200 दिखा देता हूँ, और ये है मेरे पास पेट्रोलियम 200 एडविन कंपनी की, ये अभी पड़ी हुई है मेरे पास। पेट्रोलियम 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन, आपको इस कंपनी की ना लेके, अगर आप, मैं यहाँ पर एक पिक लगा दूंगा, तो उस कंपनी की ले लीजिएगा। अगर मिल जाए तो 30 ml की इस कंपनी की भी आप ले सकते हैं पेट्रोलियम 200। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव है, मैं तो यूज़ ही कर रहा हूँ इसको, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके भी मिलते हैं एडविन के। तो पेट्रोलियम 200 आप दो बूंद इसको रात में एक बार लेना है, थूजा 200 दो बूंद सुबह सुबह लेना है, एंटीएम क्रूड 200 दो बूंद दोपहर में लेना है, और पेट्रोलियम 200 दो बूंद आपको रात में लेना है। तो इसको भी ऐसे करके खोल के डायरेक्ट जीभ में आपको दो बूंद रात में एक बार टपका लेना है। और दोस्तों लास्ट में आपको एक क्रीम यूज़ करना है, ये है टॉपी थूजा क्रीम, और टॉपी थूजा क्रीम मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप चाहे तो थूजा क्रीम कोई भी और कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉपी थूजा क्रीम मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये है टॉपी थूजा क्रीम, और इसको सिंपल सा आपको खोलना है, और खोल के जहाँ भी कॉर्न है, जहाँ भी हाथों में या पैरों में जहाँ भी आपको कॉर्न हो वहाँ पर लगाना है, और लगाना कैसे है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आपको ऐसे खोल लेना है, ठीक है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ऐसे खोल लेना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर यहाँ पर कॉर्न है, मतलब यहाँ पर इस उंगली में कॉर्न है, तो मुझे इस उंगली में ये कॉर्न के ऊपर ऐसा ये पूरा लगाना है। ये थूजा मैंने इस उंगली में कॉर्न के ऊपर लगा ली, और ऐसी एक पेपर टेप आपको यूज़ करना है, और एक कॉटन यूज़ करना है। तो कॉटन को आपको इस कॉर्न के ऊपर रखना है, और उसके ऊपर आप पेपर टेप लगा देना है। तो पेपर टेप ऐसा 10 रुपए का आएगा, और कॉटन 5-10 रुपए का आएगा, तो दोनों को यूज़ करिएगा। कॉटन ऊपर लगाइएगा, उसके बाद पेपर टेप चिपका दीजिएगा, और 24 घंटे तक ऐसे ही इसको लगे रहने दीजिएगा थूजा क्रीम को। और फिर 24 घंटे बाद फिर निकाल के, या 12 घंटे बाद निकाल के, आप दोबारा ऐसे ही रिपीट करिएगा, मतलब कॉर्न के ऊपर थूजा क्रीम लगा के कॉटन लगा के ऊपर पेपर टेप चिपका दीजिएगा। बस इतनी सी मेडिसिन है, थूजा 200 दो बूंद सुबह सुबह, एंटीएम क्रूड 200 दो बूंद दोपहर में, और पेट्रोलियम 200 दो बूंद रात में, और टॉपी थूजा या कोई भी थूजा क्रीम से आप इसको लगाइए। जैसे मैंने बताया है वैसे अगर आप लगा के रखेंगे तो कॉर्न लगभग 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से चला जाएगा और ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपका कॉर्न पूरी तरीके से ठीक हो जाए, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यहाँ पर एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, और बगल में बेल आइकन है तो आपको मेरे ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड या नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए, या आपको किसी तरह की बीमारी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, वो बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं, और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं, और मेरे लाइव क्लिनिक में आके हम ऐसे ही बातें भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करना, अगर आपको कॉर्न से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी भी और तरीके की भी सवाल पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।